क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी फराह अपने कमरे में नहीं है। आयशा मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम सिर्फ हसन को अपने करीब रखो, उसे खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दी। अब अगर कुछ हुआ ना तो सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा, हसन बददिल हो जाएगा तुमसे। तुमने उसे घर से निकाल दिया, वो अपने माँ बाप के घर पे भी नहीं है। वो सुबह से ढूंढ रहा हूँ, उसे नहीं मिल रही। कहाँ? हसन ने फोन करके बता दिया कि वो यहाँ नहीं है और इत्मीनान से चले गए अपने घर। नहीं अबू, वो बहुत परेशान था। हाथ परेशान था? अरे वो तो जाके अपने बीवी बच्चों में बिजी हो जाएगा, सूली पे तो हम लटकते रहेंगे। मेरे पास होकर भी मेरे साथ क्यों नहीं हो हसन? क्यों? जिसकी वजह से तुम आज परेशान हो ना, वो तुम्हारी जिंदगी में चंद दिन पहले आई है। कुछ पता नहीं उसका वो कहां है, ना ही उसके माँ बाप जानते। वो तुम्हें छोड़ के भाग गई है। भागी नहीं है, भागी नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ही जिम्मेदारी है। तुम्हारे और उसके किए की सजा जो मैं झेल रही हूँ, जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है उसका एहसास है तुम्हें? आशी मैं लड़ना नहीं चाहती। मैं लड़ना चाहती। तुम एक बार मुझे अपना फैसला सुना दो। अगर तो तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं जा रही हो। मैं समन को भी साथ ले जाऊंगी। ना तुम कहीं जा रही हो ना समन कहीं जा रही है। पिया के द्वारे, पिया के द्वारे इश्क पुकारे आजा रे यूं ही आजा ठीक तो कह रही है वो, क्या कसूर है उसका? वापस आ जाओ खुदा के लिए बरा। हेलो जी, मैं फराह हसन बात कर रही हूँ, डॉक्टर जहरा की पेशेंट। जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जी मेडिसिन्स दी उन्होंने मुझे। तुम कहाँ चले गए थे? Really sorry आशी, उस समय तुमसे पता नहीं क्या क्या बोल गया। You know how much I love you. I'm sorry. कैसी तबीयत है? बेहतर है। आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। ठीक है। और तुम्हारा काम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। और तुमने खाना खाया? खा लिया। हेलो भाभी, भाई कब वापस आएंगे? मेरा हसन से फिर झगड़ा हो गया। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो आधी रात को कहीं निकल गए। उस दौरान अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में। मैं हसन को नहीं खोना चाहती, किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ज़रा अभी तक क्यों नहीं आया? तो अपॉइंटमेंट का टाइम भी ख़त्म होता है। मैं पूछ लेता हूँ, फ़ौरन हसन का अपॉइंटमेंट था, आज आना था उन्होंने। जी आज उन्होंने आना था। वो आई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई, जबकि रात उन्होंने हॉस्पिटल कॉल भी की थी। उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। डॉक्टर जहरा ने सारी कंडीशन सुन के उनकी मेडिसिन भी चेंज कर दी थी। अब तो उन्हें ज़रूर आना चाहिए था, मगर आई नहीं। हसन, हसन क्या कह रही थी वो? आ रही है ना फराज? हसन, हसन हेलो जी, मैं वैसे हसन बोल रही हूँ। क्या अब क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा चोटें नहीं हैं, खतरे से बाहर है हालत। अभी 2 घंटे मजीद ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद फिर रूम में शिफ्ट कर देंगे। वैसे आप कौन सा रिश्ता? हसन अहमद मेरे दामाद हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप हसन अहमद की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं उनकी मिसेस ओके, मुझे उनकी कंडीशन बता रहा हूँ। कैसे हैं वो? आपके वाले साहब को बता दिया है, आप अपनी बेटी को बता दिए? जी जी डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ हसन को? एक्सीडेंट हुआ है उसका, एक मामूली सा। अब ठीक है लगभग। फरहान आना था वो। फाजिया तुम फरहान को मैसेज कर दो उसके मोबाइल पर। जब फोन खोलेगी हसन के बारे में पढ़ेगी तो हो सकता है यहाँ आ जाए। जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, टालना नहीं चाहिए था। हिम्मत नहीं पड़ रही थी आमना, अब मैं ठीक हूँ ना। अच्छा चलो कल के लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं प्लीज, थोड़ा जरूरी है ना। ला नंबर दो मुझे, मैं लेती हूँ अपॉइंटमेंट। कहाँ है तुम्हारा फोन? ये पड़ा, चलो पकड़ो फोन, नंबर निकालो। जल्दी निकालो नंबर। हसन का एक्सीडेंट हो गया फरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसी हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारी डॉक्टर है। क्या हो? हसन, कुछ नहीं हुआ फरा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। हसन तुम ठीक तो हो ना? तुमसे बात भी नहीं कर रही, मेरी तरफ देखो तो सही। डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फरारी है। हसन सॉरी, मुझे माफ कर दे। सो सॉरी। तुम ठीक हो ना? जी। कुछ नहीं पता चल रहा था तो हसन ने ये दुख अपनी जान पर ले ली। ऐसा क्या है इसमें कि वो उससे इतनी मोहब्बत करती। वो होश में आया तो ना समन कहा ना मेरा, बल्कि सबसे पहले फरा का पूछा। हसन अपनी बेटी को भी भूल गए। मुझे तो समझ नहीं आती भाभी, मैं कहाँ गलत थी, मेरा गुनाह क्या है? आयशा, कुछ भी हो तुम्हें उसे इस तरह छोड़ के नहीं आना चाहिए था अकेले। फरा ने हसन का हाथ थामा तो वो सुकून से सो गई। मेरा वजूद जल गया था भाभी। वहां थोड़ी देर और रुकती तो राख हो जाती। नहीं कर सकती। आयशा देखो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मेरा दिल क्यों नहीं मानता भाभी, मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत कर सकती। मेरी मोहब्बत उसके दिल में धुंधली हो गई। वो दिल नहीं मानता। संभालो अपने आप को। देखो तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम्हें होश से काम देना होगा। संभालो खुद को। ठीक हो, मैं ठीक हो। ये तेरा मुझे माफ कर दे, ये वजह से आप सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अरे हम तो जो परेशान हुए सो हुए, इस गरीब ने तो अपनी जान पे ले लिया। आइंदा इसके साथ ऐसा कभी मत करना। कभी मत करना। बैठो बैठो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तबीयत बहुत बेहतर है, अभी दवा दी है तो गहरी नींद सो रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे, तुम्हारा घर हमेशा हंसता बसता रहे। आमीन। सलाम, आयशा से बात हुई थी? इसी बात की तो मुझे भी परेशानी है। क्या होगा? होगा क्या भी? अब वो यहाँ रहेगी हमारे पास। तुम उसका कमरा तैयार कराओ, मैं अब यहाँ से उसे जाने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये हरकतें करके तुम मेरे घर में या मेरे दिल में जगह बना सकती हो? जब तक हसन की जिंदगी और इस घर में हो ना, अपनी हदों में रहते हुए रहो। इतना सन्नाटा है तुम्हारे घर में, इतनी वीरानी है इस घर में। तुम नहीं हो तो कितनी दहशत नजर आ रही है इधर उधर। मैं अपने अंदर खाली हूँ, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो हसन। लौट आओ अपनी इस दुनिया में जिसे हम दोनों ने मिलकर सजाया। हसन। आप ठीक है? बैठो आराम से। और तो अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का? अभी उधर से ही आ रही। सब ठीक है ना? जी। अम्मी अबू और बच्चों आए थे, आज सूप लाए हैं, पियेंगे आप? वो लाए तो क्यों नहीं पियूंगा? अभी नहीं, दोबारा तो ऐसे नहीं करूंगी ना फरा। नहीं, और अगर फिर भी किया तो फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बात ना कीजिए। वही तो नहीं कर सकता। आशिका वो समन की वजह से घर गई है। अभी समन के बारे में बहुत अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। तुम प्लीज समन को यहाँ बुला लो मेरे पास। आप आराम करें, वो आ जाएगी। अगर आप जाग गई थी तो बाहर क्यों नहीं आई? पापा को क्या हुआ? पापा की तबीयत खराब है ना? आपकी वजह से पापा की तबीयत खराब हुई है ना? मेरी वजह से क्यों? आपकी वजह से पापा की तबीयत खराब हुई है क्योंकि आप पापा से हर वक्त लड़ती रहती हो और मुझे भी डांटती रहती हो। I'm sorry. मैं आइंदा पापा से कभी नहीं लड़ूंगी और आपको भी नहीं डांटूंगी, प्रॉमिस। आप मेरे से नाराज तो नहीं? तो मेरे से नाराज नहीं हो? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मैं हॉस्पिटल में हूँ और वो मेरे बारे में कुछ सोच ना रही हो। तुम प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे अभी उससे मिलना है। नहीं हसन, अभी घर कैसे? तुम प्लीज ले चलो ना यार। वो बिजी होंगी हसन, आप दोबारा ट्राई करें। ऐसी बिजी नहीं हो सकती, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं जानता हूँ उसका सारा ध्यान मेरे ऊपर हो। मुझे अभी घर जाना हो। चले आप कॉल तो करके देखिए। निसार, फौजिया की शादी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं। फिर? मैं दरअसल फरा की वजह से परेशान था। कितनी कमजोर और थकी भी लग रही थी वो। जिन हालात से वो गुजरी है शायद हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसका अपना नसीब। लेकिन कम से कम मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हसन उसे बहुत चाहता है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या? देखो शायद कोई बात तो ऐसी जरूर थी जिसकी वजह से वो हसन से अलहदा होना चाहती थी। इसी बात की तो मुझे भी परेशानी है। क्या क्या होगा? होगा क्या भी? अब वो यहाँ रहेगी हमारे पास। तुम उसका कमरा तैयार कराओ, मैं अब यहाँ से उसे जाने नहीं दूंगा। अपनी आंखों के सामने रखूंगा उसे। ठीक है, लेकिन हसन को समझाना होगा फिर। हाँ समझा लेंगे। चाय। थैंक यू। आप देख लो अब बिल्कुल ठीक। पापा को घर लेके चले? पापा को अभी नहीं लेके जा सकते। क्यों? जब तक डॉक्टर अंकल छुट्टी नहीं देंगे तब तक नहीं लेके जा सकते। मैं डॉक्टर अंकल से छुट्टी लेके पापा की उनको लेके चलते हैं ना घर। आप रहने तो मैं खुद ही पूछ लूँ। ओके। अभी तो यहाँ घूमना आंटी भी थी ना? वो बाहर है। चलो चली जाओ उनके। तुम मुझसे नाराज हो? सच कहता हूँ आशी, मैंने ये सब कुछ नहीं चाहा। मैं कुछ खाया, सूप पिया था, पराठे पिलाया था। मैं मुझसे अपनी तकदीर का फैसला मांगता हूँ। तकदीर ने मेरी मौत का फैसला सुना दिया। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं। मैम आपको डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बुला रहे हैं। डॉक्टर से पूछना कि कब तक रहना पड़ेगा। बेटा आप जरा पापा के पास बैठे, थोड़ी देर वो अकेले हैं। मामा ने डॉक्टर के पास जाना है। जी मामा आप भी चले ना आंटी। आंटी डॉक्टर मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इस वक्त तो कंडीशन की काफ़ी हद तक बहाल है और परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कल दोबारा टेस्ट रिपीट होंगे तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन एक बात आप सबको, मेरा मतलब है कि हर उस शख्स को जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मेरे पेशेंट से है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि उसे किसी किस्म का स्ट्रेस या टेंशन ना दें। डिस्चार्ज कब तक है? ये इंशाल्लाह कल रिपोर्ट्स आने के बाद। ठीक है, ठीक है। मामा, डॉक्टर अंकल ने पापा की छुट्टी कर दी, कल सुबह दे दो। नहीं ना अभी प्लीज। आप मामा के साथ घर से ले जाओ, पापा कल आ जाएंगे। अब अगर आप कहें तो आयशा आपके साथ रुक जाती है, मैं समन को घर ले जाती हूँ। अशी, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुम्हें ठीक लगे। तुम सारे दिन यहाँ थक गई हो फरा, सामान को ले जाओ और खुद भी आराम करो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। समन बेटा, आप ड्राइवर के साथ मामी के घर चली जाना, आंटी थकी हुई है, उन्हें भी घर जाने देना, आराम कर लेंगे। नहीं हाँ, मैं आंटी के साथ अपने घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। मैंने तो आप कभी वापस ना आने का फैसला किया था, मगर तकदीर मुझे फिर यहाँ ले आई और हसन के साथ जो कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से। और अब तो आयशा भी शायद मुझसे और नफरत करती होगी। क्या करूंगी मैं, क्या होगा? कैसे समझाओगी उसे? आंटी देखिए मैंने कपड़े बदल लिए। चल अब आप इधर ही सो जाओ, ठीक है? आंटी चलें, बातें करेंगे ना? नहीं, हम बातें नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चों की तरह सोएंगे। चलो शाबाश। आंखें बंद कर लो। शाबाश। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो जाएगा। मेरे बाद तुम्हारा, समन का और फरा का क्या होगा? हसन प्लीज ऐसे नहीं सोचो, अब तुम ठीक हो ना? जिस तरह अचानक से। हसन प्लीज, हसन अब तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे क्यों सोच रहे? काश अब सब कुछ ठीक रहे, तो परेशान नहीं होगा। फरा समन का ठीक से ख्याल रखेंगे। तुम्हें नींद आ रही, तुमने दवाई खाएंगे, तुम सो जाओ। घबरा गई हो ना यार हॉस्पिटल में मेरी वजह से? नहीं हसन, मुझे तो वही सुकून है जहाँ तुम हो। अब तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। रूम नंबर 17 की डिस्चार्ज स्लिप आपके पास? जी जी। अच्छा मुझे बिल बता दीजिएगा, मुझे क्लियर करना है। हसन अहमद? हाँ जी। मैडम रूम नंबर 17 का बिल तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? जी। किसने क्लियर किया? जी उनकी मिसेज आई थी मम्मी की। ठीक है, थैंक यू। आओ थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मैं यहीं बैठूंगा थोड़ी देर। कुछ और खाओगे? अभी तो खिलाया था कुछ तो। अच्छा चलो तुम यहाँ बैठो, तुम थोड़ा सा काम करके आती हूँ। ये तुम्हारा मुझसे प्यार ही तो है आयशा, जो तुम मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर रहे हो। जानी बस एक कप चाय का पी लेते हैं फिर चलते हैं हॉस्पिटल। हसन आज सुबह ही घर आया। ठीक तो है ना? तो हुआ क्या है उसे? फरा की वजह से। What? हाँ पता नहीं, वो हसन से नाराज होके घर छोड़कर चली गई थी उसे ढूंढने के चक्कर में, और हसन वो लड़की ना हम सबके लिए बन चुकी है, मार डालेगी हसन को। खुदा ना करे अहमद, मैंने आज तक किसी से इतनी शिद्दत से नफरत नहीं की जितनी उस लड़की से करता हूँ। अरे वो कभी ना मिले। वो मिल गई है। अच्छा आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या सोचकर तुमने हॉस्पिटल का बिल पे किए? तुम्हें क्या लगता है ये हरकतें करके तुम मेरे घर में या मेरे दिल में जगह बना सकती हो? जब तक हसन की जिंदगी और इस घर में हो ना, अपनी हदों में रहते हुए रहो। क्या था कैसा कुछ भी कर। मेरी बेटी को इसने, अगर मेरी बेटी को छोड़ा है तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सारी गलती मेरी, सारा कसूर मेरा है, तो भुगत तो रहा हूँ। अगर आपने बच्चे को बचाना है तो इस फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा। मैं हमेशा के लिए अधूरा हो गया, हमेशा के लिए। के दौरे इश्क पुकारे आजा रे यूं ही आजा। जाएंगे, सहारे भी मिल जाएंगे, दिलों से दिलों के किनारे भी मिल जाएंगे पिया के। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.